नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा डिस्कशन होने वाला है हिजाब बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों द्वारा दिए गए निर्णय से। तो आज हम इसी पर एक चर्चा करेंगे और किस तरीके से हिजाब पर फंस गया फैसला, इस पर भी एक डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले जब हम हिजाब पर फैसला फंसने की बात करते हैं तो हमने दो जजों का नाम सुना है, एक पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे जस्टिस धूलिया, यानी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने दोनों लोगों ने मिलकर के दोनों अलग अलग तरीके के वर्डिक्ट दिए हैं, दोनों का निर्णय अलग अलग रहा है, जिसकी वजह से अब ये मामला जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नई बेंच का निर्माण करेंगे जिसमें तीन जज होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित द्वारा गठित तीन बेंच में फिर जो फैसला आएगा वह मान्य होगा। आइए इसके बारे में पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या रहा है, कहां से यह मामला तूल पकड़ा, कर्नाटक में आखिर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से धीरे धीरे लगातार ये माहौल अलग होता रहा। अब इसी अगर चर्चा में हम लोग जाएं तो इसी चर्चा में हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने एक सेंटेंस कहा, जो सेंटेंस आपके सामने है। उन्होंने मुस्लिमों को लेकर के यह बात कही कि मैं मुस्लिम परिवारों से मिलता हूं लेकिन मुस्लिम परिवारों में कभी मैंने महिलाओं को हिजाब पहने हुए नहीं देखा। और दूसरी चर्चा यहीं पर यदि हम लोग बात करते हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता की, तो उन्होंने कहा है कि हम 11 क्वेश्चंस अपने इस निर्णय में डाल चुके हैं और ये 11 क्वेश्चंस जजमेंट के लिए अब क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे और आगे जब भी जजमेंट इस पर सुनाया जाएगा तो यह 11 क्वेश्चंस पर गौर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जस्टिस सुधांशु धूलिया की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मुद्दे में वो ये है कि ऑलरेडी हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और अगर महिलाओं की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है तो हम उस पर क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हिजाब पहन करके किसी भी एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना अलाउड है, होना चाहिए, नहीं है या नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी चर्चा यह है कि हम कितना ज्यादा अपनी डिफिकल्टीज को कम करने की बात करते हैं। शी हैज टू हेल्प हर मदर इन डेली कोर्स, ये एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है और साथ ही साथ वो अगर क्लीनिंग वॉशिंग में अपनी मदर को हेल्प करती है, स्कूल जाती है, तो मतलब कि इतनी ज्यादा समस्याओं के बीच क्या हम इस बात पर फोकस कर पा रहे हैं कि हमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंटली उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इन्हीं कुछ बातों पर आज हमारा डिस्कशन होगा और इन्हीं कुछ बातों पर हम लोग डिस्कशन को शामिल करेंगे और डिस्कशन पर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कर्नाटक की हाई कोर्ट ने क्या कहा था और मामला क्या रहा है शुरुआत से ही लेकर के कि ये कैसे शुरू हुआ, फिर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे इन्वॉल्व हुए, गवर्नमेंट ने क्या कहा, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो आइए हिजाब कंट्रोवर्सी को शुरू से जानते हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह के वीडियोस आपको डेली सुबह 6 बजे इसी चैनल पर मिलते हैं, तो चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसमें आपको प्रीमियम फीचर्स के साथ करंट अफेयर्स रेगुलरली अपडेट होकर के मिलता है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर जब हिजाब की कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ये कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई। कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में हिजाब की कंट्रोवर्सी शुरू होने के पीछे कारण ये था कि कुछ लड़कियां जो कि हिजाब पहन करके, हिजाब बेसिकली एक तरीके से अपने आप को ढकना और अपने आप को एक दुपट्टे से या एक कपड़े से ढकना, ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक प्रैक्टिस है जो वो करती हैं और वो मुस्लिम लड़कियां जो अपने एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रही थी उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। अब एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाने पर हिजाब पहनना अलाउड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर जो प्रशासन है एडुकेशनल इंस्टीट्यूट के, प्रशासन ने यह कहा कि ये अलाउड नहीं है, आपको नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन करके आना पड़ेगा। और इस पर ये बवाल क्रिएट हुआ कि आखिर क्यों एक रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत आने वाले हिजाब को हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं पहन सकते। और इसी के बाद से मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और
भाजपा विधायक जो रघुपति भट्ट हैं, उन्होंने कॉलेज की विकास समिति के साथ मिलकर के हितधारकों के साथ मिलकर के एक बैठक की और बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया कि हाँ यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना बेहतर है। लेकिन इसी बीच ये जो लड़कियां थीं, ये लड़कियां नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और साथ ही साथ कर्नाटका हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर कर चुकी। अब रिट पिटीशन दायर होने के बाद जो कि यह कहता है कि आर्टिकल 25 के अंदर हमें अपने विश्वास को मानने की स्वतंत्रता है और हम अपने विश्वास को जिस भी तरह से फॉलो करना चाहते हैं संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत कर सकते हैं, वो हमारा रिलीजन हो, वो हमारा फेथ हो, वो हमारा बिलीफ हो या कुछ भी जो हमारे विश्वास के अंतर्गत आता हो। इन्हीं सब बातों में जब लगातार लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू किया और उन्होंने हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ये धरने और आंदोलन शुरू हुए, तो धीरे धीरे अब आप देखें कि जो कुंडापुर है, कुंडापुर में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों ने सैफ्रॉन शॉल यानी कि केसरिया शॉल ओढ़ करके विरोध प्रदर्शन प्रकट करना शुरू किया और यह विवाद धीरे धीरे मुस्लिम वर्सेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं बढ़ करके हिंदू वर्सेज मुस्लिम होने लगा। और हिंदू वर्सेज मुस्लिम में कुंदापुर के कॉलेज के जो लड़के थे, उन कॉलेज के लड़कों ने ये सैफरन शॉल पहन के यानी केसरिया कलर की शॉल पहन करके लड़कियों के खिलाफ पूरी तरीके से अपना मोर्चा खोला और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर जो थे बीसी नागेश, वो भी ऑलरेडी इस चीज को देख रहे थे। चिकमगलूर नाम की एक जगह है, चिकमगलूर नाम की जगह पर कुछ लड़कों ने ब्लू कलर का शॉल ओढ़ करके जय भीम के नारे लगाते हुए मुस्लिम लड़कियों का सपोर्ट करते हुए या हिंदू लड़कों का विरोध करते हुए मुस्लिम लड़कियों के सपोर्ट में अपनी बात कह दी। तो ये पूरी कहानी अब एक तरीके से हिंदू वर्सेस मुस्लिम तूल लेने लगी और जब कर्नाटक की सरकार बीच में आई तो कर्नाटक की सरकार ने सीधे सीधे ये कहा, मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बीसी नागेश, उन्होंने कहा कि कर्नाटक एजुकेशनल एक्ट है 2013 और 2018 का, इसका मतलब यह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कोई भी हैं वो सभी के सभी अपने प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म को कॉलेज स्टूडेंट को पहनने के लिए कहें। और चूंकि ऑलरेडी मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट में पहुंच चुका था तो बीसी नागेश जी के ये कहने के बावजूद कर्नाटक के हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बैक किया। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा यूनिफॉर्म को लागू करने की बात है उसको बैक किया। एंड दूसरी बात, हाई कोर्ट ने यह कहा कि हिजाब किसी तरीके से सोशल या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में, यानी कि चूंकि आवश्यक धार्मिक किसी भी तरीके की अभ्यास का हिस्सा नहीं है हिजाब, इसलिए हिजाब का पहनना आवश्यक नहीं है। और जो मुस्लिम लड़कियों ने पिटीशन दायर की थी उन मुस्लिम लड़कियों के दायर हुए पिटीशन पर ये एक बहुत ह्यूज सेटबैक था, यानी कि उन लोगों को कहीं ना कहीं मुस्लिम छात्राओं के लिए झटका लगा। अब इस झटके के बाद फिर ये मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट के निर्णय सुनाने के बाद अपील करा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसे अपील किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दो जजों की बेंच थी और ये कॉमन कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि दो जजों की बेंच में एक जज इसके पक्ष में और दूसरे जज इसके विरोध में है। जस्टिस हेमंत गुप्ता की बात करते हैं तो जस्टिस हेमंत गुप्ता इस चीज के पक्ष में है कि हिजाब नहीं पहना जाना चाहिए, जबकि जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। अब ये दो जो बातें हैं, ये दो बातें बिल्कुल अलग हो गई हैं, इसीलिए अब इसे नई बेंच को सौंपने की बात कही गई है। और नई बेंच को जब ये मामला सौंपा जाएगा तो आपको पता है इस बार जज तीन होंगे और जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे यूयू ललित जी हैं वो इन तीन जजों की बेंच का फैसला करेंगे कि कौन होने वाले हैं। तो अब देखिए, अब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट भी रिजर्व कर लिया है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि आगे चल करके सॉल्व होकर के आएगा। लेकिन यहां पर हम बाबा साहेब अंबेडकर की वो बातें याद कर सकते हैं जिनसे बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत को एकदम पूरी तरीके से आजाद करवाने की बात कही थी। आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के हाथों में भारतीय संविधान की किताब, ये कहती है कि अब हमें इन सभी चीजों से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात या हमारे एकीकृत विकास की बात करनी चाहिए। इवोल्यूशन एक अकेला रास्ता है जिससे और बेहतर हल निकाले जा सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए अपडेट में आगे लेकर के आता रहूंगा, साथ ही साथ आपको इस प्रश्न के साथ छोड़ता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने
कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? ये आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको देना है आंसर। और साथ ही साथ अड्डा 24/7 से किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आपको कोड यूज करना है Y637 बैचेस के लिए, और किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज या बुक्स के लिए Y637S। याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखें। जय हिंद।